नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संजीव और मेरे साथ हैं आप सबके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी, जो आपको बताएंगे कि कैसे आपको प्लान करना है अपने आज के दिन को। देखिए, सब कुछ आपके प्लानिंग पर निर्भर करता है। दिन कैसा होगा, कैसा गुजरेगा, ये आप पर निर्भर करता है और आप इस दिन को बेहतरीन बना सकते हैं। हम बताएंगे कैसे। ज्योतिष गुरु, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो 3 अक्टूबर यानी आज का दिन आप सबके लिए कैसा है, आप सब जानने के लिए तो बेकरार हैं ही, हम भी आपको बताने के लिए बेकरार हैं कि कैसे आप प्लान करें अपने आज के दिन को। लेकिन उससे पहले पंचांग जानते हैं, फिर आपकी प्लानिंग। आज 3 अक्टूबर 2018 है और बुधवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2075 है और शक संवत 1940। अश्विन मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। नवमी तिथि है रात 12:10 तक और उसके बाद दशमी तिथि। पुनर्वसु नक्षत्र है रात 10:24 तक और उसके बाद पुष्य नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं मिथुन राशि में और चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे 4:39 पर। आज सौभाग्यवती स्त्रियों का श्राद्ध है और आज नवमी का श्राद्ध। तो मेष और वृषभ राशि, आज का दिन तो आ चुका है सामने आपके और आपकी बहुत सारी तैयारी भी होगी आज के दिन को लेकर। हर एक की होती है कि ये करना है, ये नहीं करना है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपकी तैयारी में कुछ चीजें आसान सी जोड़ दें, जो दिखती तो आसान है, कर भी आप आसानी से सकते हैं, लेकिन उनका असर बेहतरीन होगा आपके जीवन में। तो मेष और वृषभ, नोट कीजिए। मेष राशि वालों की अपनी लगन आपकी उपलब्धियों के नए द्वार खोलने की। ये और बात है कि ऐसे में कुछ लोग आपसे ईर्ष्या भी करें, पर आपको अपने हालात को भली भांति समझना होगा और फिलहाल किसी बड़े फेरबदल से बचने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समूह में, अपने काम या कारोबार को इस नज़र से देखें जिसमें आपकी लोगों के प्रति अच्छाई झलके। पैसे की स्थिति को बेहतर करने के लिए भी आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। क्या ना करें समूह में, कामकाज के क्षेत्र में किसी झगड़े को बुलावा ना दें। आप सही भी हों तो भी किसी ऐसी बहस में ना पड़ें जिसे आप आगे चलकर संभाल ना पाएं। वृषभ राशि वालों की पैसे की स्थिति ठीक है और आप अपनी देनदारी को भी चुकता करने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी सूझबूझ और आपकी योजना इस रूप से बनी रहेगी तो देनदारी का बोझ भी हल्का हो जाएगा। क्या करना चाहिए समय में, कामकाज से जुड़े दबाव को संभाले रखने की जरूरत पड़ेगी, पर किसी भी तरह का बड़ा खतरा मोल लेने से फिर भी बचना ही होगा। कोशिश इस रूप से करनी होगी कि आपकी काबिलियत को लोग भली भांति समझ पाएं। क्या न करें समय में, किसी प्यार के रिश्ते के प्रति आलोचनात्मक रवैया बिल्कुल ना अपनाएं। आपके बड़े बुजुर्ग किसी रिश्ते को किस नज़र से देखते हैं इस बात को समझने में आप कोई गलती ना कर जाएं। किसी भी रिश्ते को लेकर आपके बड़े बुजुर्ग क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं उस रिश्ते को, उसे सम्मान जरूर दीजिएगा। समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो क्या समझ रहे हैं उस रिश्ते के बारे में। सवाल लेंगे, सवाल है गौरव श्रीवास्तव का। 28/10/1993 3 बजे दोपहर बाद इनका जन्म हुआ है सीधी जिले में। अच्छा, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, जॉब करें या बिजनेस करें कोई छोटा मोटा। पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं परिवार के लिए। और शादी का योग कब तक है? गौरव, आपकी कुंडली है जी कुंभ लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा चल रही है शुक्र की और अंतरदशा भी चल रही है शुक्र की जून 2019 तक। 25 वर्ष की आपकी आयु हो चुकी है, अभी कैरियर बना नहीं है। और अगर आपने खुद को किसी जॉब के लिए उतना तैयार नहीं किया है तो आप किसी कारोबार को कर सकते हैं जो ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ हो, लेकिन उसके लिए भी साधन चाहिए, उसके लिए भी पैसा चाहिए जो अभी है नहीं। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी की शुरुआत किसी जॉब से कर लें जो अगले 1 महीने में आपको मिल सकती है और फिर उसके बाद और रास्ते खुल जाएंगे। आपने पूछा आपकी शादी कब होगी, तो शादी आपकी हो सकती है जी लगभग जुलाई अगस्त 2021 में। जुलाई अगस्त 2021 में आपकी शादी हो सकती है और जॉब आपको करनी है आने वाले 1 महीने में। जो मौका आपको मिले उस मौके से जुड़ जाइए। जिंदगी की व्यावहारिकता समझिए और व्यावहारिकता ये कहती है कि अभी साधन कम है, अपने बिजनेस के बारे में मत सोचिए। मिथुन और कर्क राशि, अब आपको सोचना तो देखिए होगा ही अपने बारे में, क्योंकि हमने भी बहुत कुछ सोच कर रखा है आपके लिए आज के लिए। हम आपको बताएंगे इस उम्मीद के साथ कि आप उसे नोट करेंगे और करेंगे। मिथुन राशि वाले ये समझ लें कि भावनाओं में बह जाना आपकी शख्सियत का एक अहम हिस्सा है। शायद यही वजह है कि लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं। रिश्तों को लेकर सुख और सुकून भरा समय है, इसका पूरा फायदा उठा लें। क्या करना चाहिए समय में, लोगों को समझने में बहुत सारी व्यवहारिकता का परिचय देना होगा। सही और गलत की पहचान भी कर लें और अपनी बात को विनम्रता से कह भी लें ताकि आपकी सच्चाई लोगों को समझ में भी आए।
क्या ना करें समय में, ऐसा ना सोचते चले जाएं कि जिंदगी की खुशियों के पीछे रुकावटें छुपी हुई हैं। अच्छी भली स्थिति में भी लोगों के विचार आपके विचारों से भिन्न हो सकते हैं, इसलिए हर तरह की आलोचना को आप अपने लिए रुकावट ना समझें। कर्क राशि वालों के लिए घर परिवार की खुशियां भरपूर बनी हुई हैं, लेकिन आप दूर होने की वजह से उस खुशी में शामिल नहीं हो पा रहे। अपनों के प्रति आपके विचार अच्छे हैं और आप अपनों की हर तरह से सहायता भी करना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? अपने साथी सहयोगियों से तालमेल बनाए रखने की कोशिश करनी होगी। हो सकता है उनकी बात में अपना ही कोई तर्क छुपा हुआ हो। अपने नकारात्मक विचारों को तो मन से हटाना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? अपने दोस्तों के विचारों को समझने में कोई कमी ना रखें। वो आपके लिए अच्छा सोचते हैं और आपकी मदद ही करना चाह रहे हैं, पर आपने उनसे फासले बना रखे हैं और इस समय यही ठीक नहीं। आपने उन लोगों से फासले बना लिए हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं। मत होने दीजिए ऐसा। आगे बढ़ते हैं। सिंह और कन्या राशि, आपके आज के राशिफल को समझते हैं और फिर आपको बताते हैं कि आप क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वालों के लिए प्रेरणा भरा समय है, जो आपके ज्ञान को और आपकी मेहनत को आपकी कोशिशों से जोड़ दें। जो भी मन में इच्छा है उसे पूरा करने के लिए यह समय आपकी हर तरह से सहायता करेगा। जिंदगी में सफलता का मापदंड बहुत हद तक ऐसा ही होता है और इसलिए भी आपको हर चीज अच्छी ही लगेगी। क्या करना चाहिए समय में? रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं और हर रोज उन्हें सहेजने की कोशिश करनी होती है, इसलिए अच्छी भली स्थिति से जुड़ी रुकावटों को भी संभालने की कोशिश करनी पड़ सकती है। क्या ना करें समय में? किसी ऐसे विकल्प के पीछे ना भागें जिसमें आपको बहुत बड़ा नुकसान नजर आ रहा हो या जिसके लिए आपके मन में पूरी तसल्ली ना हो। अपने पैसे की स्थिति का सही आंकलन करके ही आप कोई बड़ा फैसला करें, ताकि कहीं कोई गलती ना हो जाए। कन्या राशि वालों के विचारों की प्रबलता आपकी शख्सियत को उभार रही है और लोगों को वो बात भलीभांति समझ में भी आ रही। शायद यही वजह है कि कामकाज को लेकर भी अब आप जागरूक हैं। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों के प्रति थोड़ा सा अविश्वास है मन में, जिसे संभाले रखने की जरूरत है। किसी प्यार के रिश्ते को लेकर भी आपको मनन करने की जरूरत पड़ सकती है, ताकि पूरी बात को समझ लिया जाए। क्या ना करें इस समय में? कामकाज को लेकर कोई ऐसा फैसला न करें जो किसी को नाराज करता चला जाए। वैसे भी कामकाज के क्षेत्र में लोग आपको विश्लेषणात्मक दृष्टि से ही देख रहे हैं, इसलिए आप कोई गलती ना कर जाएं। सवाल लेते हैं मौसमी शर्मा का। डेट ऑफ बर्थ 30/9/1997, 8:35 सुबह, जन्म हुआ है रुड़की में। करियर से जुड़ा बड़ा फैसला इनको लेना है। क्या करेंगे? CA, MBA या सिविल सर्विसेज, IAS बनना चाहती है। मौसमी, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा चल रही है मंगल की और अंतरदशा चल रही है बुध की जनवरी 2019 तक। 21 वर्ष की आयु है, सपने बहुत हैं, लेकिन पढ़ाई के माध्यम से उन सपनों को साकार करने की इच्छा में कमी है। तो जो कमी है पहले तो उसे दूर करना होगा, तभी जाके उन सपनों को साकार करने की बात आएगी सामने। जहाँ तक जिंदगी में सफलता पाने की बात, छोटे छोटे टारगेट्स बनाने चाहिए जिन्हें आप रोज़ पूरा कर सकें। बहुत बड़े सपने देखने से जो जिंदगी में हम 10 साल के बाद क्या करेंगे, 20 साल के बाद क्या करेंगे, उससे कुछ होता नहीं। आपने पढ़ाई के बारे में पूछा कि आप क्या करना चाहें, तो आगे चल के आप MBA कर सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अभी सबसे बड़ा डिसीजन आपको ये लेना है कि अपनी पढ़ाई को बहुत सीरियसली लेना है, क्योंकि आपके बड़े बड़े सपनों में कहीं आपकी पढ़ाई पीछे रह गई है। तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आगे जाकर आप MBA करने के बारे में सोच सकती हैं। तुला वृश्चिक राशि, अब आपको सोचना कुछ नहीं है, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले ही समझ लें कि आपकी मेहनत का ही ये असर है कि आपके विचार प्रबल हो रहे हैं, और ये आपके मन का भरोसा है जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। पर ऐसे में किसी भी तरह का बड़ा खतरा मोल लेना भी ठीक नहीं। क्या करना चाहिए समय में? अपनी कोशिशों में और ज़्यादा भरोसा बनाए रखने की ज़रूरत पड़ेगी। अपनों को भी समझाना बुझाना पड़ेगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं, तभी आप लोगों के मन में बैठी हुई दुविधाओं को दूर कर पाएंगे। क्या न करें समय में? हर छोटी बात बिगड़ती चली जाए तो वो भी ठीक नहीं होगा, इसलिए अपने पैसे को किसी ऐसे खतरे में न डालें जिसका बुरा असर आपके कामकाज पर आ जाए। वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक है, लेकिन आपकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। ये ज़रूर कहूँगा कि आपकी उम्मीदें आपकी मेहनत के अनुरूप ही बनी हुई हैं, इसलिए उन ज़्यादा नज़र आती हुई उम्मीदों में भी कोई कमी नहीं है।
क्या करना चाहिए इस संबंध में? अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए सतर्कता बरतनी होगी। कोई भी बात अगर आप सहजता से कहेंगे तभी उसका पूरा फायदा मिल पाएगा। किसी भी तरह के नुकसान से बचने के लिए ये ज़रूरी होगा कि आप थोड़ा सा रुक जाएं। क्या ना करें इस समय में, कामकाज को बढ़ावा देने के लिए अपनी कोशिशों में किसी भी तरह की कमी ना आने दें। ये बड़े लाभ का समय है, इसलिए अपने मन को किसी भी वजह से उचाट ना करें। ये बड़े लाभ का गेन का समय है, इसलिए अपने मन को उचटने मत दीजिए। जो करना है पूरे मन से करिए। धनु और मकर राशि, पूरे मन से काम तभी आप कर पाएंगे जब आपको पता हो कि क्या करना है और कैसे करना है। इसीलिए आपके राशिफल में हम आपको बताते हैं कि आप क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले ही समझ लें कि काम और काम के लाभ से जुड़ा हुआ आपका दृढ़ निश्चय आपसे बहुत कुछ करवा लेगा और इसी प्रयास के चलते आपको बड़ी सफलता भी जरूर मिलेगी। क्या करना चाहिए समय में? आपकी शख्सियत ही कुछ ऐसी है कि आप लोगों के प्रति बहुत उदार, पर इस समय उस उदारता को छोड़कर व्यवहारिकता बरतनी होगी। चाहे पैसे की स्थिति हो या बढ़ते हुए खर्चों का दबाव, उस व्यवहारिकता से ही अपनी सूझबूझ को बनाने में मदद मिलेगी। क्या न करें इस समय में? कामकाज को लेकर निरंतर बदलाव करना सोचें और ऐसा करके आप अपने लिए मुश्किलें ना बटोरते चले जाएं। जो चीज़ अच्छी भली बनी हुई है उसे अच्छाई की नज़र से ही देखें, इसलिए दूर स्थान के सपनों के पीछे ना भागें। मकर राशि वालों ने किसी बड़े बदलाव को लेकर अपने मन में कोई निश्चय कर लिया है और यही आपकी दुविधाओं का कारण भी हो सकता है। ये और बात है कि हालात फिर भी संभले हुए हैं, कोई भी बड़ा कदम उठा लेने से पहले एक बार फिर सोचने की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए समय में? नुकसान भरी स्थिति में वैसे ही संभलना होगा ताकि आपके फैसले भी सही हो सके। थोड़ी सी सूझबूझ अपनाने से ही ये संभव हो पाएगा। क्या ना करें इस समय में? हर छोटी बात को लेकर लोगों से नाराजगियों में ना पड़ें, क्योंकि एक बार तकरार पैदा हो जाए तो उसे आगे चलकर संभालना भी कठिन ही होता है। इसलिए अपने व्यवहार को ऐसा ना बनाएं जो आपको लोगों से दूर करता चला जाए। कुंभ और मीन राशि, अब आपकी बात करते हैं क्योंकि आपकी बात होनी है, समय है आपकी बातचीत का। राशिफल क्या कहता है और उसके बाद ज्योतिष गुरु कहेंगे आपसे कुछ खास, बताएंगे आपको कि आप क्या करें क्या ना करें। कुंभ राशि वालों के विचार बहुत ज्यादा प्रबल होंगे तो आपके अच्छे विचारों को भी लोग समझ नहीं पाएंगे। इसलिए भी एक कठिन समय है क्योंकि किसी प्यार के रिश्ते को संभालना भी कठिन है। अपनी बात से कहीं ज्यादा लोगों को सम्मान देने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? बढ़ते हुए खर्चों का असर आपके कामकाज की स्थिति पर आ सकता है। वैसे भी आपके पैसे की जरूरतें बढ़ी हुई हैं, जिसमें आपको अपनों के लिए भी बहुत कुछ करना है। क्या ना करें समय में? पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में लोगों के भरोसे न चलें, क्योंकि लोगों से जो आप उम्मीद लगाएंगे वो उस रूप से पूरी नहीं हो पाएगी। मीन राशि वाले अपने कामकाज को लेकर कोई सख्त विचार बनाते चले जाएंगे तो आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी और ऐसे में अपनी मेहनत भी विफल होती चली जाएगी, तो फिर ये ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? काम या कारोबार में पैसा लगाने की जरूरत पड़ सकती है और अपनों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो कुल मिलाकर यह समय पैसे से जुड़े दबाव दिखा रहा है जिन्हें संभालना ही होगा। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार की अच्छी भली स्थिति को किसी बहस की वजह से बिगड़ने ना दें। आप अपनी ही बात कहते चले जाएंगे तो अनबन पैदा हो जाएगी और इस समय यही ठीक नहीं है। अपनी ही कहते चले जाएंगे, सिर्फ अपनी ही बात करेंगे तो इससे सिर्फ अनबन पैदा होगी, ये सही नहीं है। दूसरों की भी सुननी है आपको। फिलहाल हमारी तो सुननी है क्योंकि हम अब अपने प्रोग्राम में उस जगह पर पहुंच गए जहां पर हम एक खास राशि को कुछ खास बताते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है खास और किसके लिए है। कर्क राशि वालों के लिए खास उपाय है जी कि आने वाले 4 बृहस्पतिवार को किसी भी पूजा स्थल पर जरूर जाएं, फायदा होगा। रिश्तों से जुड़ी अच्छाई आपको खुद ही बनानी होगी, उसमें कोई और आपकी मदद नहीं कर सकता। तो फिलहाल दीजिए इजाजत और अगर कोई समस्या है, कोई मुश्किल है, कोई उलझन है, आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं आपके तारे @aajtak.com पर। वेबसाइट है www.aajtak.in/tare। तो फिलहाल आज की मुलाकात यहीं तक हमें रोकनी होगी, लेकिन कल फिर से इस मुलाकात को आगे बढ़ाएंगे ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।